हमारा देश आजकल आईटी या टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। इसको और बेहतर बनाने के लिए और बिजनेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली के एनसीआर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डेटा सेंटर पार्क बनाने का फैसला लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल दिल्ली एनसीआर नोएडा में डेटा सेंटर पार्क बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में लिया है। डेटा सेंटर पार्क कंपनियों को आईटी गतिविधियों में काफी सुविधाएं देगा। इसमें स्टोरेज सूचनाओं की प्रोसेसिंग और उस डेटा को दूसरी जगह पहुँचाने में आसानी होगी। अगर आपको नहीं पता कि डेटा सेंटर पार्क क्या होता है तो हम आपको बता दें कि डेटा सेंटर किसी सर्वर की तरह होता है जिससे कंपनियों का पूरा आईटी ऑपरेट होता है। इतना ही नहीं, आईएसटी टेलीमीडिया सिंगापुर भारत में 112 डेटा सेंटर चला रही है। वैसे भी टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में कंपनियों को डेटा सेंटर की काफ़ी ज़रूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और सरकार नीति के तहत इसमें 1,15,950 से अधिक का इन्वेस्टमेंट भी करेगी। ये इन्वेस्टमेंट दो कंपनियां मिलाकर करेंगी। अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड 5,129 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और 22,000 लोगों को रोजगार देगी। वहीं NIDP डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ग्रेटर नोएडा में 9,134 करोड़ के लगभग रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और 1,450 लोगों को रोजगार देगी। नोएडा में 4 डेटा सेंटर खुलेंगे जो IT कंपनियों के बेहद ही हित में होंगे। डेटा ट्रांसफर की दिक्कत में राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बयान में बताया कि सोशल मीडिया, बैंकिंग, खुदरा स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन एवं ट्रांजैक्शन को अधिक डेटा स्टोरेज की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, एंटिटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी ग्रेटर नोएडा में एक डेटा सेंटर बनाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि योगी सरकार ने रोजगार को लेकर जो ये वादे किए हैं, क्या उन पर खरे उतर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट ने बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मीडिया दरबार। धन्यवाद।